शहीद स्मारक कंपनी बाग मुरादाबाद में स्वर्गीय डॉक्टर राम आशीष सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गत वर्ष लखनऊ में शहीद हुए डॉक्टर राम आशीष सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर राम आशीष सिंह, जो कि अटेवा के पेंशन हेतु लखनऊ में धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज में मौके पर ही शहीद हो गए थे, उनका यह बलिदान पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर राम आशीष सिंह अटेवा संगठन के पूर्ण समर्पित कार्यकर्ता थे, पुरानी पेंशन बहाली हेतु सभी कार्यक्रमों में भाग लेते थे। संगठन डॉक्टर राम आशीष सिंह की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। संगठन ने दृढ़ निश्चय किया है, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक अटेवा का आंदोलन जारी रहेगा। मैं नीलम कुमारी बेसिक एजुकेशन में टीचर और आज के दिन 7 दिसंबर को श्री रामाशीष जी की शहादत हुई थी। पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक उनको मारा गया, जिसमें कि वो शहीद हो गए। उन्हीं के इसमें जो आज शोक सभा हम लोगों ने की गई है अटेवा के अटेवा मंच के बैनर तले सारे ही विभाग के कर्मचारी और सब लोग जो है पेंशन के लिए कार्यरत हैं और सब संघर्ष कर रहे हैं, और जब तक हमें पेंशन नहीं मिलेगी तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और शांतिपूर्वक, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम इसको आंदोलन का रूप भी दे सकते हैं, लेकिन हम अपने भविष्य की लाठी अपनी पेंशन लेकर रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। क्या नाम है आपका? सैयद अफजार अली। क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया है आज? डॉक्टर रामाशी जी जो हमारे शहीद हो गए थे, पुलिस ने बर्बरता लाठीचार्ज करा था 2016 में, 7 दिसंबर 2016 में, उनकी याद में हम शहीद दिवस के रूप में आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी विभाग से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हमने ये कसम खाई है, हम अब तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमें अब पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती। पुरानी पेंशन हमारा हक है, हम लेकर रहेंगे। पुलिस ने जिस प्रकार डॉक्टर रामाशीष को बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर उन्हें शहीद कर दिया, उनका बलिदान हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम सदा, जब तक हमें जो है पेंशन नहीं मिल जाती, हम जो है अपने पेंशन को संघर्ष करते रहेंगे और आंदोलन कार्यरत रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। अटेवा मंच द्वारा ये आयोजित प्रोग्राम है और आने वाले सत्र में हम इस आंदोलन को और तेज़ कर देंगे। आंदोलन पर अटेवा हमेशा तत्पर तैयार है।